हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है बजाज का इंडक्शन कुकर जिसे हम रिपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, दुकान के अंदर हमने बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स केबिन, देख पा रहे हैं पूरा सेटअप तामझाम पूरा फैला हुआ है, क्योंकि आगे जो पावर टूल के वर्क से ही काफ़ी समय नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा वर्क हम यहाँ पर करते हैं। LED TV, इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन, तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं इसका मॉडल ICX7, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। कस्टमर कहना है डिस्प्ले वगैरह पूरा ओके आ रहा है, ओके ऑपरेटिंग ओके आ रही है, बाकी इंडक्शन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है इसका। तो दोस्तों, इसका जो मॉडल है एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी इसका, ये बजाज मैजिस्टी इसका लिखा हुआ है, मॉडल भी ICX7 1900 का ये सिस्टम है पूरा। तो दोस्तों, 950 करके भी कुछ इस पर लिखा हुआ है, किसी मैकेनिक ने कभी लगाया हुआ होगा इतना खर्चा, पता नहीं ऐसा क्या लगा दिया। 2000 रुपये का तो लगभग नया आ ही जाता है। कोई बात नहीं, चलिए इसे स्टार्ट करके एक बार हम भी चेक करेंगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये ऑन हो चुका है, चलिए एक बार ऑन हो चुका है चेक कर लेते हैं, उसके बाद भी हम इसे खोलेंगे। तो दोस्तों, एक बार ये देखिए, कोई भी स्टील या लोहे का आपको फ्लैट जो पोर्ट लेना है, तो हमारे पास ये हल्का सा ही ढक्कन है एक लोहे का, उसके अंदर ही हमने थोड़ा सा पानी डाला है चेक करने के लिए। दोस्तों बिल्कुल इंडक्शन देखिए बिल्कुल हाई पर ही चल रहा है, देख पा रहे हैं जो इसके इंडिकेटर डिस्प्ले और ऑन है, ये देखिए प्लस माइनस इंडिकेटर पे ध्यान दें आप। तो दोस्तों, इंडक्शन की ऑपरेटिंग ओके हो रही, बाकी पानी के अंदर कोई एक्शन नहीं है बिल्कुल भी, इंडक्शन बिल्कुल नहीं आ पा रहा पानी के अंदर, वरना इतनी देर में तो पानी पूरा जल जाता। तो चलिए पानी को हम रख देते हैं साइड में, बिल्कुल ठंडा है दोस्तों, देखिए। इसके बाद हम चलिए इंडक्शन को खोलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए काफ़ी मेहनत से तैयार करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, और चैनल पर दोस्तों लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लें। काफ़ी सर्दी है दोस्तों, आज मैंने पहली बार हैट लगाया है, वरना मैं कभी जो हैट का यूज़ करता नहीं हूँ, मात्र कैप का ही यूज़ करता हूँ। दोस्तों ये देखिए, मैंने इंडक्शन को खोलने के बाद में दोस्तों सीधा रख लिया है वापस से, और जो अंदर के जो इंडक्शन कॉइल है इसको भी इसके पेच खोलने के बाद में, ये देखिए जो सेंसर लगा हुआ है इसका, उसकी जिग को भी हटा दिया है। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको यदि कुछ फॉल्ट नज़र आ रहा है, तो मुझे इसका फॉल्ट लगभग नज़र आ चुका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके अलावा और भी कोई फॉल्ट इसमें आगे हो सकता है। बाकी ये देख पा रहे हैं इसका जो एक वायर है इंडक्शन कोइल का, बिल्कुल यहाँ से देखिए एक जॉइंट इसका जलकर मेल्ट हो चुका है, बिल्कुल अलग हो चुका है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से पूरा जो वायर है ये रेड वाला, ये देख पा रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे जल चुका है इसका जो वायर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड पर इसको यूज लिया होगा शायद, हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वायर को ही निकालेंगे, पीसीबी से अलग करेंगे जो टुकड़ा इसमें बचा हुआ है रेड कलर का। सोल्डिंग आयरन हमारा बिल्कुल तैयार है, सोल्डिंग आयरन भी दोस्तों देख पा रहे हैं हम सोल्डरून का यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा चलता है। टुकड़े को हमने निकाल दिया है, तो दोस्तों नया वायर लेंगे हम, लगभग 1.5 mm का कम से कम वायर होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, और हो सके तो हीट प्रूफ वायर का यूज़ करना है आपको, ताकि इस टाइप का फॉल्ट जल्दी से ना आए। तो दोस्तों हीट प्रूफ वायर है, कितना भी सर्दी हो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है इसकी पीवीसी, और जलती भी नहीं है, हीट खाकर टाइट भी नहीं होती है। तो चलिए इसको यहाँ पे हमने सबसे पहले सोल्डरिंग कर लिया है अच्छे से। तो इसके बाद में दोस्तों वायर को हम देख लेंगे, थोड़ा सा पीसीबी को थोड़ा सेट कर देते हैं, और इसका जो कूलिंग फैन है उसकी जिग हमने हटाई थी, इसको भी लगा दिया है। वायर को थोड़ा देख लेंगे, चेक कर लेंगे, ज़्यादा लंबा है तो आप कट कर देंगे, थोड़ा सा ये वायर हमें कट करना होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा है,
थोड़ा सा हम कट कर लेंगे इसको, क्योंकि अभी तो ज्वाइंट करने के अंदर भी काफ़ी वायर जाएगा। और देखिए लगभग 1 इंच हमने इसे छील दिया है। और ये देखिए जो ऑटोमेटिक स्लीव ऑटो एडजस्ट वाली, जो कि काफ़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती है, उसका हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने वायर में डाल दिया है इसको, लगभग दोस्तों 5 mm की स्लीव हमने वायर के अंदर डाली है। तो दोस्तों ये देखिए, जो इसको काफ़ी ध्यान से देखें आप, यहाँ पे जो इंडक्शन का वायर जो जला हुआ है, तो इस पर आपको सोल्डरिंग करने में काफ़ी समस्या आएगी। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हीट खाने के बाद में जो ब्लैक हिस्सा है वायर का, उसको आपको बिल्कुल नाइफ की मदद से स्क्रैच करके और बल निकाल कर यहाँ पे हमने साफ करके अच्छे से, और इसके ऊपर हमने हमारा जो वायर है, जो नया वायर हमने चेंज किया है, उसको यहाँ पे इस पर अच्छे से लपेट दिया है। और दोस्तों ये देखिए, इसके ऊपर अच्छे से जो हमारा फ्लेक्स है इसका, हमने यहाँ पे लगा दिया है। सोल्डरिंग बिल्कुल अच्छे से करनी है आपको, पूरा वायर है जो आपका बिल्कुल कोट हो जाना चाहिए, ताकि यहाँ से आपका वायर डैमेज नहीं हो, जले नहीं। दोस्तों देखिए, सोल्डरिंग बिल्कुल प्रॉपर हो चुकी है, और इसको हम यहाँ पे वायर को इस टाइप से सेट करके ऊपर से जो स्लीव है, इसको हम यहाँ से इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, स्लीव पतला रह चुका है, स्लीव हमें चेंज करना होगा। कोई बात नहीं, हमारे पास 10 mm का स्लीव और है, तो इसका हम यूज करेंगे। बाकी सोल्डरिंग हमें वापस से पीसीबी से हमने वायर को रिमूव करके 10 mm का स्लीव इसमें डाल दिया है, और इसको हमने हीट करके यहाँ पे बिल्कुल यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा, जॉइंट के ऊपर बिल्कुल सेट हो जाएगा। देख पा रहे हैं, सेट हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि हीट से ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है स्लीव जो। तो वापस से पीसीबी के अंदर हम जो हमारा वायर है यहाँ पे, इसको बिल्कुल यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे अच्छे से। तो दोस्तों पीसीबी को यहाँ पे एक बार नॉर्मली हम सेट करने के बाद में इंडक्शन जो कोयल है, इसको भी यहाँ पे सेट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे चलाकर चेक करेंगे किस टाइप से वर्क करता है, या फिर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर हुई है। तो दोस्तों ये देखिए, इसका जो सेंसर है, उसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया है और सेट कर दिया है हमने। बगर पेच लगाया, हम एक बार इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, यदि वर्क कर जाए तो मैं गर्म पानी पीने की इच्छा रखता हूँ फिलहाल, क्योंकि गला भी कुछ ख़राब हो रखा है, तबीयत भी कुछ 2-3 दिनों से लूज है। तो वीडियो में भी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आ नहीं पा रही है। तो दोस्तों इंडक्शन तो हमारा ओके हो ही चुका है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, तुरंत ही जला देता है पानी को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है दोस्तों ये देखिए। और क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों, ब्रांडेड कोई भी इंडक्शन हो या कोई भी आइटम किसी भी कंपनी का हो ब्रांडेड, तो उसमें क्वालिटी आपको बेटर मिलती है। तो ये देखिए दोस्तों, चलिए मैं पीने के लिए पानी भी इसमें गर्म कर लेता हूँ यहाँ पे, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। दोस्तों देख पा रहे हैं, इंडक्शन हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो दोस्तों इसमें कोई फॉल्ट मुझे इसके अलावा नज़र आया नहीं है पीसीबी में, पता नहीं किसी ने किस बात के 950 रुपये लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों पानी बिल्कुल उबल चुका है, जो ट्रे का पानी है बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा है, और हमारा जो मग्गे वाला पानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, पीने के लिए अभी थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार ट्रे को हम साइड में रख देते हैं, पकड़ा भी नहीं जा रहा, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो चलिए वापस से हमने जो ऊपर का कवर है इसको यहाँ पे साइड में रख लेना है, क्योंकि अंदर के जो 4 पेच है दोस्तों, पीसीबी में मात्र एक ही पेच लगा हुआ है, उसको हम ऊपर से ही लगा दें हैं, और जो इंडक्शन कॉइल है उसको भी हम यहाँ पे तीनों पेच इसके हम यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अंदर और कोई इसमें फॉल्ट था नहीं पहले, पता नहीं किसी कारण से ले लिए होंगे। तो दोस्तों हमारा इसमें कोई ज़्यादा चार्ज बनता नहीं है, मात्र 200 रुपये ही, क्योंकि इसमें और कोई आइटम ख़राब था नहीं, मोस्फेट वगैरह सब कुछ ओके था इसका। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें,
क्योंकि इसी टाइप के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ दोस्तों। तो वापस से एक बार ऑन करके चेक करेंगे बिल्कुल इसको। तो दोस्तों पेज इसके कंप्लीट लगा चुके हैं हम, और ये देखिए जैसे ही इसको हमने बिल्कुल हाई पे चलाया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरा पानी इसने जला दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो चुका है कंप्लीट। तो दोस्तों कभी नेक्स्ट टाइम कभी टाइम लगेगा तो मैं एक शॉप का वीडियो बना कर दूंगा, पूरा सेटअप हमने कैसे बनाया हुआ है। जैसे कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स केबिन है, शॉप के फ्रंट में हमारा पावर टूल का है और अंदर मोटर वाइंडिंग का भी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।